व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। तो अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते थे और यहाँ पे वो अब यूरोपियन लर्निंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते थे। पहले उन्होंने क्या किया, पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए उन लोगों ने ओरिएंटलिज्म की नीति जो है वो अपनाई, मतलब कि वो इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन पोइम्स वगैरह जो इंडियन टेक्स्ट हैं, अरबिक जो टेक्स्ट हैं वो सब पढ़ा रहे थे। बट फिर कुछ लोगों ने क्या किया, ओरिएंटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और फोकस किया कि यूरोपियन लर्निंग जो है वो इंडिया में लानी चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया का पूरा सिस्टम जो है वो यूरोपियन लर्निंग के बेसिस पे स्टार्ट करा जाने लग गया। बट क्या आपने सोचा है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले इंडिया में किस तरीके की स्कूलिंग थी, उससे पहले क्या बच्चे पढ़ते भी थे, मतलब स्कूल्स थे नहीं थे, क्या सिस्टम था एजुकेशन का, तो उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। Do you have any idea of how children were taught in pre-British time? कि ब्रिटिशर्स से पहले बच्चे किस तरीके से पढ़ते थे, आपको कोई आइडिया है? Have you ever wondered whether they went to schools? जैसा कि मैंने अभी बोला कि क्या मतलब सोचा भी है आपने कि हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम में चेंज किया, इंग्लिश वाला जो सिस्टम है वो लाए, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले क्या था, कभी बच्चे स्कूल जाते भी थे? और अगर जाते भी थे, अगर उस टाइम पे स्कूल्स थे भी, तो फिर ब्रिटिश रूल्स के बाद, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया, तो उस चेंज के बाद जो पुराने स्कूल्स थे, हमारे जो चले आ रहे थे स्कूल, उनका क्या हुआ? रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। सो इन 1830s विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्निकुलर स्कूल्स। तो 1830 में क्या हुआ, विलियम एडम जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी था, मतलब कि स्कॉटलैंड का ये रहने वाला था और मिशनरी था, मतलब कि क्रिश्चियन जो लर्निंग है वो बच्चों को सिखाता था। तो विलियम एडम ने क्या किया, उसने बंगाल और बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका टूर किया, एक तरीके से दौरा किया। और उसने ऐसा दौरा क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने उसे कहा था कि एक बार पता करके आओ कि जो वर्नेकुलर स्कूल है, वर्नेकुलर मतलब क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो भाषा बोली जाती है उसे हम वर्नेकुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो मतलब कि लोकल जो स्कूल्स हैं, वर्नेकुलर स्कूल्स मतलब जो लोकल स्कूल्स हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से लोकल स्कूल्स चलाए जाते हैं, तो उसके बारे में पता करने के लिए कंपनी ने विलियम एडम को भेजा था। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। और जो रिपोर्ट विलियम एडम ने प्रोड्यूस की, जो दी, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो एडम ने सिर्फ बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स का ही दौरा किया था, बाकी स्टेट्स का नहीं किया था। तो बंगाल और बिहार में ही उसने पाया कि सिर्फ इन दो स्टेट्स में ही लगभग 1 लाख पाठशालास हैं, ठीक है। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। ये जो पाठशालास हैं ये बहुत ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं और हर एक इंस्टीट्यूशन में लगभग 20 बच्चे रहते थे। मुश्किल ही किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी पाठशाला में ऐसा होगा कि 20 से ज्यादा बच्चे देखने मिलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि 1 लाख पाठशाला टोटल थी बंगाल और बिहार में, तो हम यूं कहें कि अगर हर एक पाठशाला में लगभग 20 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो टोटल 20 लाख बच्चे जो हैं इन पाठशालाओं में पढ़ रहे थे। तो मतलब उस टाइम के लिए काफी बड़ा नंबर था कि इतने बड़े लेवल पे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पाठशालाज हैं, ये या तो लोकल एरिया का जो अमीर आदमी है, जो वेल्दी पीपल हैं, वो सेटअप करते थे, या फिर पूरी कम्युनिटी मिलके इन पाठशालाओं को सेटअप करती थी। कभी कभी इन पाठशालाओं को खुद जो टीचर है, गुरु है, वो भी स्टार्ट कर दिया करता था बच्चों को पढ़ाने के लिए। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सीबल। तो अब ये जो पाठशाला का सिस्टम था ना, ये बहुत ही फ्लेक्सीबल था, एकदम रिजिड नहीं था, कोई भी चीज़ एकदम फिक्स नहीं थी, फ्लेक्सीबल था। Few things that you associate with schools today were present in the parchalas at that time. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं, तो वो पाठशालाज में प्रेजेंट थी, उस टाइम पे पाठशालाज में भी वो फॉलो की जा रही थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के टाइम में हमें देखने नहीं मिलती। There were no fixed fee. तो पाठशालाज में कोई fixed fee का सिस्टम नहीं था, मतलब कि हर एक बच्चे को एक fixed amount of fee जो है वो देने की ज़रूरत नहीं थी। हर एक बच्चे पे डिपेंड करता था, उनके पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड करता था कि वो बच्चा कितनी फीस देगा। नो प्रिंटेड बुक्स, उस टाइम पे कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। मतलब कि जैसे आप देखते ना, आज आपके स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपका पूरा प्लेग्राउंड वगैरह, मतलब एक पूरा एरिया आप लोगों के लिए सेपरेट है स्कूल की जो विसिनिटी है। बट उस टाइम पे ऐसा स्कूल का कोई एरिया फिक्स नहीं था, कोई बेंचेस नहीं थी, कोई चेयर नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था,
कोई सेपरेट क्लासेस का सिस्टम नहीं था। जैसे आज आप क्या कहते हो, मैं 8th क्लास में हूँ, मैं 9th क्लास में हूँ, ऐसे आप अपना स्टैंडर्ड बताते हो कि मैं इस क्लास में हूँ। बट उस टाइम पे ये जो सेपरेट क्लासेस का सिस्टम नहीं था, सारे बच्चे जो है 20 बच्चे जो है लगभग मान लो, तो वो सारे एक ही साथ बैठ के पढ़ते थे। नो रोल कॉल रजिस्टर, उस टाइम पे अटेंडेंस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मतलब रिकॉर्ड बनाया जाता है ना, जैसे आपका प्रेजेंट मैम मतलब शुरू शुरू में सुबह सुबह के कहते हो, तो उस टाइम पे ऐसा कोई रोल कॉल का रजिस्टर जो है वो नहीं बनाया जाता था। कोई एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं होते थे, तो ये बच्चों की फेवरेट चीज होगी, तो उस टाइम पे कोई एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं होते थे कोई इस तरीके से, हर साल जैसे टेस्ट होते हैं आपके, ऐसे नहीं होता था। कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री, तो जैसे हमने बोला कि कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग तो थी नहीं, तो फिर ये क्लासेस कहाँ पे ली जाती थी? पाठशाला जो है कहीं कहीं पे क्या होता था, जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ काफी बड़ा होता है, काफी घना होता है, तो कभी कभी उसके नीचे जो है ये पाठशाला चलती थी। कहीं कहीं पे क्या होता था, गांव के किसी कोने में या किसी टेम्पल में, किसी शॉप में, वहां पे ये क्लासेस लगती थी। और कभी कभी जो गुरु है, जो टीचर है, उसके घर पे जो पाठशालाएं हैं वो लगती थी। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। फी क्योंकि फिक्स नहीं थी, तो फिर बच्चे फी देते कैसे थे, तो जो भी बच्चे के पेरेंट की इनकम है उसके बेसिस पे टीचर जो है वो बच्चे से फी मांगता था। अगर किसी बच्चे के पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते तो उनसे कम फी ली जाती थी। अगर जो पेरेंट्स है वो अमीर हैं तो फिर उससे ज्यादा फी ली जाती थी। टीचिंग वॉज ओरल। अब जैसा हमने कहा कि कोई फिक्स्ड प्रिंटेड बुक वगैरह नहीं थी, तो टीचर कैसे पढ़ाता था, टीचर बोल बोल के पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड का सिस्टम भी उतना नहीं था, तो टीचर जो है जो भी उसके पास नॉलेज है वो ओरली बच्चों को देता था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करता था कि क्या बच्चों को पढ़ाना है। जैसे आप लोग के सिस्टम में क्या होता है, जैसे स्कूल में एक पूरी जो है स्कूल की कमेटी वगैरह बैठती है, पूरा करिकुलम जैसे डिसाइड किया जाता है, सीबीएसई ने पूरा करिकुलम डिसाइड किया हुआ है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, तो पूरा सीबीएसई ने डिसाइड किया हुआ है। बट उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम जो है फिक्स्ड नहीं था, जो टीचर है वो खुद डिसाइड करता था कि किस बच्चे को मैंने क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देता था। अगर उसे लगता था कि किसी बच्चे को बहुत कम आता है तो वो उसे उस हिसाब से पढ़ाता था। अगर उसे लगता है कि बच्चे को काफी हद तक कुछ आता है तो फिर वो उसको नई चीज बताता था, पुरानी चीज नहीं बताएगा। तो हर बच्चे पे डिपेंड करता था कि टीचर उसे क्या पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यू कहें स्पेशलाइज्ड लर्निंग होती थी, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता था, बहुत ही फ्लेक्सिबल सब कुछ था, रिजिड कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो ये हमने बात डिस्कस कर ली कि क्लासेस का सिस्टम नहीं था, स्टूडेंट्स को क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया था, कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ नहीं था, सब एक साथ बैठते थे। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है, सब एक साथ एक जगह पे बैठते थे। द गुरु इंटरैक्टेड सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। बट क्या होता था, क्योंकि हर एक बच्चे का जो स्टडी का लेवल है, लर्निंग का लेवल है, वो अलग होता था, है ना, किसी बच्चे को किसी चीज की नॉलेज है, किसी बच्चे को किसी और की, तो क्या होता था, टीचर ना कुछ ग्रुप्स बना देता था जो एकदम सिमिलर काइंड ऑफ बच्चे रहते थे, कि चलो ये एक लेवल के लग रहे हैं, इन्हें इस चीज की नॉलेज है, इनको इस लेवल तक की नॉलेज है, दूसरे बच्चे होते थे उन्हें किसी और लेवल तक की नॉलेज होती थी, तो जो एक लेवल वाले बच्चे थे उनका ग्रुप ग्रुप बना देते थे, मतलब सेपरेटली बैठाते नहीं थे, बट हाँ जैसे चलो तुम 4 बच्चे हो, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें मतलब क्या होता था कि टीचर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से अलग से सेपरेटली इंटरेक्ट करता था उनके लेवल ऑफ लर्निंग के हिसाब से, जो उन ग्रुप के बच्चों को आता है वो फिर उन्हें उस हिसाब से और पढ़ाते थे। तो क्लासेस का सिस्टम नहीं था, बट ये था कि उनके लर्निंग के हिसाब से ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते थे, कि मान लो कोई अभी नया बच्चा आया है, उसकी जो टीचर है वो देखेगा कि उस बच्चे को कितना आता है, तो अगर उसका लेवल जो है थोड़ा कम होगा तो वो उसको कम वाले ग्रुप में बैठा देगा कि ठीक है अभी तुम इन बच्चों के साथ बैठो, मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। अगर उसका ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जो जिन बच्चों का ज्यादा लेवल ऑफ नॉलेज है उनके साथ बैठा देगा। ठीक है, वैसे ये सारे एक साथ बैठे हैं, बट क्या था कि इसमें भी ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड हो रखे थे उनके नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे आपकी क्लास में भी होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्दी किसी चीज को पकड़ लेते हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उन्हें थोड़ा बाद में समझ आता है, उनको हो सकता है इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। वैसे आप लोग सब सेम क्लास में हो, है ना, तो इस चीज का नुकसान क्या हुआ कि जिन तुम सभी तरह के बच्चों को एक ही तरह से पढ़ा रहे हो, बट पाठशालाज में क्या होता था कि बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस तरीके का है, और फिर टीचर उसे उसी तरीके से पढ़ाता था। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। तो एडम ने ये देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो लोकल नीड्स के हिसाब से बनाया हुआ है। लोकल नीड्स के हिसाब से कैसे, कि जैसे मान लो क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन
ऑफन वर्कड इन द फील्ड। तो मान लो जो बच्चे जो हैं वो अब खेतों में काम कर रहे हैं। जब देखो क्या होता है गांव वगैरह में कि अगर पीक टाइम होता है जब फसल का, तो उसमें क्या होता है कि लगभग सारा जो परिवार है वो फसल में जुड़ा होता है। मान लो कि हार्वेस्टिंग के टाइम में जब फसल को काटने का टाइम है, तो लगभग हर एक जो परिवार का सदस्य है वो खेतों में जाता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपना जो है योगदान देते हैं खेतों में। तो उस टाइम पे क्योंकि वो हार्वेस्टिंग में बिजी है, तो वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि सारे बच्चे ही मान लो हार्वेस्टिंग के टाइम में उसमें जाए हुए हैं, खेत में गए हुए हैं, तो फिर क्लासेस को रखा ही नहीं जाता था, है ना। अब आप जैसे आज भी देखोगे जो हमारे गांव वगैरह में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें भी कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है ना, तो क्लासेस हेल्ड नहीं की जाती, वो बच्चों की छुट्टियां दे देते हैं। बट वहीं आप अगर देखोगे जो अर्बन सिटीज में जो स्कूल्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई ऐसा पीक पीरियड है जिसमें कि मान लो पेरेंट्स के साथ बच्चे वैसे तो बिजी नहीं होते, बट ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि जिसमें बच्चों को अलग से छुट्टी दी जाए, है ना। वो लोकल नीड्स के हिसाब से कुछ भी नहीं होता, उसमें सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम तक गर्मी की छुट्टी मिलेगी, इस टाइम से लेके इस टाइम तक सर्दी की छुट्टी मिलेगी। मतलब साल के शुरुआत में ही सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। बट जो पाठशाला थी उनमें ऐसा कुछ भी शुरू में डिसाइड नहीं किया जाता था, वो उस टाइम पे देखा जाता था कि चलो बच्चे इतने से इतने हम नहीं आएंगे। मतलब उसी टाइम पे, उसी महीने जो हार्वेस्ट वाला महीना है, उसी टाइम पे सब कुछ डिसाइड किया जाता था कि हम इससे इस तक क्लास नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो सब कुछ जो है वो लोकल नीड्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड सॉर्टेड। तो एक बार अगर जो सारी फसल वगैरह कट जाती थी, सारे बच्चे फिर से रेडी हो जाते थे स्कूल अटेंड करने के लिए, तो पाठशाला जो है वो फिर से स्टार्ट की जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पेजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। और इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, या यूं कहें जो किसान हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, है ना। क्योंकि किसान की फैमिली में क्या होता है कि लगभग सब लोग किसी ना किसी टाइम पे बिजी रहते हैं। अब क्योंकि अगर वो रिजिड सिस्टम फॉलो करेंगे तो बच्चे जो हैं वो पूरे तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं छुट्टी लेनी पड़ेगी, उन्हें स्कूल मिस करना पड़ेगा खेतों में जाने की वजह से। बट क्योंकि ये लोकल नीड्स के हिसाब से है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, तो जो बच्चों की नीड है उसके हिसाब से टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता था, उसी टाइम पर पाठशाला रखता था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रिटिशर्स से पहले का एजुकेशन सिस्टम था वो कितना ज़्यादा अच्छा था। मतलब कि हर एक बच्चे के नॉलेज के लेवल देखा जा रहा है और उसी के बेसिस पे उसको पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चों पे सेम चीज़ थोपी नहीं जा रही, है ना। सबको उनको जो है कंफर्टेबल जो है वो कराया जाता है क्लास में कि ठीक है तुम्हें ये नहीं आता तो फिर उस लेवल से तुम्हें पढ़ाया जाएगा, राइट। तो सब कुछ जो है सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये लगी कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, है ना, और टीचर जो है वो पर्सनली हर एक बच्चे को अटेंड करता था, पर्सनली उसके डाउट्स लेता था, उसका लेवल ऑफ लर्निंग चेक करता था। और आप लोग की जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, फेवरेट चीज़ होगी, वो ये था कि एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे। तो टीचर अपने लेवल पे ही देख लिया करता होगा कि बच्चे को कितना आ रहा है, है ना। तो उनका कुछ सिस्टम जो है वो एकदम एनुअल एग्जामिनेशन वाला नहीं रहा करता था, बट हाँ टीचर अपने लेवल पे देख लिया करता होगा कि मैंने अपने बच्चे को जो भी पढ़ाया है वो उसे समझ आया है कि नहीं।